सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद चिंतामणि महाराज का बलरामपुर जिले के बाड़फ नगर में हुआ आगमन। चिंतामणि महाराज के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात की। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। चिंतामणि महाराज ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, पूरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और सब अपने अपने जगह पर खुद से लगे हुए हैं। पूरे कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोई चुनौती नहीं है। हम लोग मोदी की गारंटी को लेकर आम जनता तक जा रहे हैं। पिछली सरकार ने 2 वर्ष का बोनस नहीं दिया था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 2 वर्ष का बोनस दे दिया गया। फिर अभी जो धान खरीदी हुआ था उसमें अंतर की राशि एक मुश्त मिला। मैतारी वंदन योजना के तहत सभी माता बहनों के खाते में 1,000 रुपए दिया गया। इसके साथ साथ लोकसभा की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ उद्योग की बहुत आवश्यकता है, लेकिन उद्योग तब आएगा जब आवागमन का साधन होगा। इसके लिए रेलवे का विस्तार होना आवश्यक है। सांसद बनने के बाद इसे प्रमुखता से रखेंगे। उड़ान योजना के तहत दरिमा से 32 सीट हवाई यात्रा शुरू होने वाली है, जिसका लाइसेंस मिल गया है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा हवाई यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। उड़ान योजना के तहत जहां से हवाई यात्रा शुरू होती है उसका किराया कम रहता है। आपको याद होगा एक बार मोदी जी बोले थे जो हवाई चप्पल में चलने वाले हैं वो लोग भी हवाई यात्रा कर सकेंगे। उसकी चिंता मोदी जी की है और उड़ान योजना के तहत दरिमा से हवाई जहाज उड़ाएंगे। चुनौती इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि चिंतामणि चुनाव नहीं लड़ रहा है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और सब अपने अपने जगह पर खुद से लगे हुए हैं और पूरे कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में पूरा जोश है, उत्साह है, जिसको देख करके ऐसा लगता है कि अभी तो कोई चुनौती नहीं है। प्रमुख कौन कौन मुद्दा तो देखिए अभी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आएगा। अभी जो जिस विषय को लेकर के हम जा रहे हैं वो है मोदी जी का गारंटी। मोदी जी के गारंटी के तहत पिछली सरकार का 2 वर्ष का जो बोनस नहीं मिला था, जिसको देने का बात हुआ था, सरकार बनते ही 2 वर्ष का बोनस मिला। फिर अभी जो धान खरीदी हुआ था उसका अंतरराशि एक मुश्त देने का बात हुआ था, वो एक मुश्त मिला। इसके बाद महतारी बंधन योजना के तहत सभी हमारे माता बहनों के खाते में हर महीने 1,000 रुपया जाने का था, वो महिलाओं के खाते में 1 महीने का चला गया है। वो तो निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है, हर महीना आएगा। उसके साथ साथ अगर लोकसभा की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ उद्योग का बहुत आवश्यकता है, लेकिन उद्योग तब आएगा जब आवागमन का साधन बनेगा। यहाँ पर रेलवे का विस्तार होना आवश्यक है। रेलवे का विस्तार करने के लिए हम उसको प्राथमिकता से सांसद बनने के बाद करेंगे। और मोदी जी के गारंटी के तहत उड़ान योजना के तहत दरिमा में 32 सीटर हवाई जहाज शुरू होने वाला है, उसका लाइसेंस मिल गया है। अभी आचार संहिता के कारण शायद शुरू ना हो, लेकिन जैसे आचार संहिता ख़त्म होगा ये हवाई जहाज का यात्रा भी शुरू होगा। उसमें विशेषता एक ये है जो मोदी जी के गारंटी के तहत, जो उड़ान योजना के तहत जहाँ जहाँ से भी हवाई जहाज रवाना करती है उसका किराया कम रहता है। सामान्य हवाई जहाज और उड़ान योजना के तहत हवाई जहाज, दोनों के किराए में अंतर रहता है। आपको याद होगा एक बार मोदी जी बोले थे जो हवाई चप्पल में चलने वाले हैं उन लोग भी हवाई जहाज का यात्रा कर सकें, उसका चिंता मोदी जी की। और उड़ान योजना के तहत दरमा से हवाई जहाज उड़ेगी, जिसमें हमारे हवाई चप्पल पहनने वाले जो हमारे कार्यकर्ता हैं, किसान हैं, उन लोग भी हवाई यात्रा का लाभ ले सकते हैं। सभा नहीं है, 8 विधानसभा है और 8 विधानसभा में अभी तो चुनाव है, अभी ऊपर से मुद्दा भी आएगा और चुनाव जीतने के बाद हम लोगों से राय विचार करेंगे कि किन किन चीज़ों का यहाँ आवश्यकता है। उसके आधार पर मोदी जी से बात करके और उन योजनाओं को यहाँ लागू करेंगे जिससे सरगुजा लोकसभा का चहुमुखी विकास हो सके।